Hello students, how are you? I hope you all are well and you all have done your test very well. Today ma'am will give you the solution of your test paper. If you have any doubt, it can be solved. Okay beta, shall we start? In first question, you have to tick the correct answer. The mighty dash curved mass of stone. This mein kya aega right answer? The mighty sphinx. बेटा मैम ने आपको बोला था ना कि आपको पोइम को अच्छे से रीड करना है. मैम ने आपको पोइम्स की लाइंस दी हैं और उसके अंदर फिलअप्स फॉर्म दिया है. एज टाइम अनफोल्ड्स बीनीथ द सन, सो यू हैव टू टिक ऑन द सन. इन टिक द करेक्ट आंसर. इन ए आर आंसर विल बी सिफिक्स एंड बी आर आंसर विल बी सन. ओके बेटा, तो आपको ए में सेकेंड ऑप्शन पर टिक करना था और बी में फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करना था. ओके, नाउ कम टू आवर सेकंड क्वेश्चन. राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको यहाँ पर इन वर्ड्स के मीनिंग बताने थे कि इन वर्ड्स के क्या मीनिंग होंगे. सो यू हैव टू गिवन द वर्ड फेरोज, स्फिक्स और कर्व्ड. आपको थ्री वर्ड मीनिंग्स दिए गए थे, फेरोज, स्फिक्स और कर्व्ड. फर्स्ट वर्ड इज फेरोज. फेरोज मीन्स रूलर्स ऑफ एंसिप्ट इक्विप्ट, यानी कि जो एंसिट इक्विप्ट्स के रूलर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फेरोज. और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज सिफिक्स. सिफिक्स मीन्स एन एंसिट इक्यूपेशन स्टोन स्टैचू, यानी कि स्टोन का बना हुआ एक स्टैचू जो इक्विप्ट में बहुत फेमस था. कर्व्ड मीन्स कट टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को कट करके उसको प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरावेंस कैरिंग. कैरावेंस ने क्या कैरिंग कर रखा था? द कैरावेंस आर कैरिंग सिल्क एंड गोल्ड. तो आपका आंसर क्या होना था? द कैरावेंस आर कैरिंग सिल्क एंड गोल्ड. बेटा जिसने डायरेक्ट आंसर दिया था ना सिल्क एंड गोल्ड, तो मैम उसको हाफ मार्क्स ही देंगे. जिन्होंने फुल आंसर लिखा है द कैरावेंस आर कैरिंग सिल्क एंड गोल्ड, मैम उसी को फुल आंसर फुल मार्क्स देंगे. ओके, नाउ कम टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. हु इज अ सिफिक्स सिटिंग विद. सो यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस. द सिफिक्स इज सिटिंग अलोन. जिसने ये फुल आंसर लिखा था द सिफिक्स इज सिटिंग अलोन, मैम ने उसको फुल मार्क्स दिए हैं और जिन्होंने अकेला अलोन लिखा था उन्हें हाफ मार्क्स मिलेगा. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. आपने इसमें क्या करना था? जो डिक्टेशन वर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करना था. हमारा फर्स्ट वर्ड क्या था? माइटी. और हमारा सेकेंड वर्ड क्या था? डिग्निटी. माइटी में आपको क्या करना था? M I G H T Y. और डिग्निटी में क्या करना था? D I G N I T Y. स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द टेस्ट पेपर. एंड वन थिंग मोर बेटा, आफ्टर दिस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर द लिटिल जीनियस, बिकॉज मैम विल टेक योर टेस्ट. ओके, एंड वी विल डू द रिविजन ऑफ आर चैप्टर द लिटिल जीनियस इन आर नेक्स्ट क्लास. सो यू हैव टू प्रिपेयर इट बिफोर. आपको उससे पहले उसकी रीडिंग कर लेनी है ताकि मैम जब समझाएं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाए. ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.